जसपुर में भगवान श्री राम की बारात का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सुंदर झांकियां, भोलेनाथ का तांडव और पुष्पक विमान के साथ राम बारात निकाली गई, जिसमें जसपुर पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिला। वहीं इस बीच राम बारात के अध्यक्ष विमल नंबरदार ने बताया कि बीते वर्ष रामलीला पर करुणा का साया मंडराता रहा और रामलीला मंचन का कार्यक्रम नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार प्रभु राम की कृपा से रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें जनता भी बढ़ चढ़ कर रामलीला का आनंद उठा रही है। जसपुर से संवाददाता डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कमेटी के द्वारा, जो पहले पिछले कई वर्षों से भी वो मेरे पास जिम्मेवारी थी। इस बार भी बड़े धूमधाम से इस बारात निकाला जा रहा है। इसमें हमारी झांकियां, अखाड़े, बैंड और तीन अखाड़े और भगवान राम का विमान, जो पुष्प विमान एक सज रहा है, कुछ अल्लाह है, ये देख तो एक बड़ी गौरव वाली बात। काफ़ी लंबी बारात के साथ पुलिस प्रशासन के अच्छी व्यवस्था के साथ इस बारात को निकाला जा रहा है और शहर में निकलते ये बारात हमारे शिव मंदिर पर वहाँ पहुँचेगी और वहाँ से प्रसाद चढ़ाने के बाद में फिर बारात का समापन वहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष यहाँ कोरोना काल के चलते कई कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो इन लोगों में भी एक जागृति और अलग से देखने को मिल रही है कि वो लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अपने जो भगवान राम के जो भी कार्यक्रम हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो देखने के लिए गौरव वाली बहुत अच्छी बात लग रही है।